ये दवाई बना रही हूँ, दुआ खात्मा है। सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही भी क्या करें, ये सोच रहे हैं भी क्या करें, आया है वो भी नहीं मान रहे है। नहीं है। और साहब बहन भाइयों ने कमेंट में बताना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के फजल करम से। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, इधर खड़ा हूँ एक ओले वाली जगह पे, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें सब्सक्राइब। तो आज की मज़ेदार वीडियो करते हैं शुरू। और बाकी वैसे ही कबाड़ लगा पड़ा है जैसे आपने देखा था, क्योंकि आज जो है ना मेरी बाइक कोई ले गया था सारा दिन, बाइक अभी आई है, फ्री ही नहीं हुआ। तो अभी जाके देखता हूँ, कोई काम का पता करता हूँ, ये भी काम करना ज़रूरी है, ये काम करेंगे तो फिर पता चलेगा। इधर देखें भाई साहब, भाई साहब तो चौड़े होके टोर रहे हैं पापा। हाँ जी, पैसे ले आए हो? हाँ। दे गया है? हाँ। चलो ये, हाँ वो दुआ फातिमा की दवाई लेने जाते हैं। ओके, हो गया, हो गया ना? हाँ, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, सुबह इंशाल्लाह शहर जाऊंगा। वो मोटर बंद कर दो, टैंकी फुल हो गई है। पहुंच गए हैं किचन में, ये देखें सिद्रा जो है ना दाल के दमामे को लगी हुई है बनाने में, ये चेक करें। वाह, दाल में से जो है ना, मज़े की बात बताऊँ आपको, दाल में से पत्थर या कचरा निकालना हो ना आईफोन से निकाला करो। हाँ। ये जो है ना एक एक चीज निकाल के दे देता है, ये चेक करो देखना, ये देखो। हाँ, ऐसे मोटे मोटे से हैं दाने, मोटे मोटे कर देता है ना, हर चीज फिर नजर आ जाती है। हाँ, हमें वैसे भी नजर आ रही है। अच्छा, वैसे भी आपको नजर आ रही है? फिर तो बाबा, मेरे ख्याल में आईफोन में आप सिद्रा की आंखें लगाई हुई हैं। आईफोन को साफ नजर आ रहा है और सिद्रा को भी। अभी हम जो उसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग नहीं हुए। अभी आप बुजुर्ग नहीं हुए? नहीं, वो जैसे टिकटॉक वाला कहता है ना, वो कहता है आने वाली नस्ल का तो बेड़ा ही गरक है। बहता क्यों? क्योंकि उनके बुजुर्ग हम होंगे। हाँ जी, किसने कुटिया है? शेबू कुटिया है? हाँ। अच्छा, चलो शेबू की मार करते हैं। चलो बेगम साहबा सलाम दुआ करो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो है ना अभी बना रही हूँ दाल, ये देखिए। आज मामू वाले चले गए हैं उधर। हाँ। तो वो देखो आज क्या पक रहा है। नहीं, वैसे बताओ ना क्या पक रहा है। दाल दमामा। हाँ जी, क्या पक रहा है? दाल दमामा। दाल दमामा, दाल दमामा खाओगे? कैसे खाओगे? हप करोगे? उधर बहन भाइयों को कहो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दाल का मामा खा जाओ, दाल का मामा खा जाओ। चलो सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। कैसे हो आप दोनों? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आपकी मम्मा कैसी है? ठीक है। आपके बाबा कैसे हैं? ठीक। अच्छा, वडी अम्मा कैसी है? ठीक है। सारे ठीक हैं? दुआ फातिमा कैसी है? ठीक। वो भी ठीक है? अच्छा, सब बहन भाई देखने वाले वो कैसे हैं? ठीक। वो भी ठीक है? बोलो माशाल्लाह, बोलो अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, बोलो आमीन। ऐसे बोलो, सब बहन भाइयों को अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। हाँ जी, हंस रहे हो? बीबी की चोटियां नहीं बनाई आज? नहीं। अच्छा चलो, वो डालो, अभी डाल रही हो दाल। हाँ। ये देखो जी, दाल डाल रही है। और मैं ये बताना भूल गया, ये जो 1000 रुपया है ना, ये आज से 2 महीने पहले रमजान शरीफ में एक भाई ने मुझसे उधार लिया था, कहा था कि ज़रूरत है बताओ लाजमी। उस टाइम
मेरे पास थोड़े से पड़े थे तो मैंने दे दिया था, मैंने कहा फिर काम आ गए तो आज दिया है। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, ये देखें आ गए हैं पैसे। अभी चलो दुआ बीबी की दवाई ले आते हैं। हाँ चलो ठीक है। वो बाइक आसन भाई ले गया, पता नहीं वो कहाँ गया। चलो मैं देखता हूँ। आ गया, मैं आ गया। क्या करते पे हो? लुकते पे हो? हो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, गर्मी है। हाँ खटड़ा टाइप हो सही। हाँ क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे? दाल दा मामा पक गया। वो देखो आपकी अम्मी जो है ना मधना लेके घूम रही है। आज मुझे लगता है पूरी बस्तियों ने, बस्ती वालों ने, पूरी बस्ती वालों ने दाल दमाओ में पकाया है। हाँ, ना उठाओ, मैं वो दवरी मली लेके आऊं। दवरी मली उठा के ले गए क्या? नहीं, उधर अंदर रखी हुई है, ये सूखा धनिया और लहसुन कूटना है। पापा आई। हाँ जी आई। अभी आपको मूंज आई हुई है? आई बुके। क्या है? बुके। बुके? क्या दी बोखे? बोखे पानी देवा? भूख नहीं होती, वो प्यास होती है। किसी को प्यास लगती है तो फिर पानी पीते हैं। हाँ प्यास त्रेहे। हाँ त्रेहे लगती है तो फिर पानी पीते हैं। चलो रुको मैं आपको पानी देता हूँ। है अम्मा तेरी भाजी पका के देसी? वाह मेरे को दसा ही क्या नहीं। कितना लाती है ये? दुआ फातिमा की दवाई है, ये रख दो दवाई ले आए थे। ये देखें जी ये क्यों निकाली है, इसमें डालो। वो सारी पुड़ियां शुड़ियां निकाली हुई है। ये इधर दुआ फातिमा खेल रही थी जी। बलूरी बलूरी खेल रही हो? हंसो हंसो। चलो रखो इधर। हाँ ये रख दो। दो नहीं थी? दो थी, दूसरी किधर है? दूसरी कहाँ की है? पिलाई नहीं है क्या? नहीं, फिर दो होनी चाहिए, दूसरी किधर है? ये देखो इधर रखी हुई है, गिरा के फिर इधर। इसलिए मैंने कहा है कि अभी देखो सारी गिरा दी है ना। रुलाओ, छोड़ दो, खेलने दो। इधर अम्मी बैठी थी साथ, मैंने कहा बैठी हुई है, ये बस थोड़ी सी रह गई है, देखो सारी गिरा दी है। गंदे काम ना किया करो, किसी की दवाई और दुआ फातिमा की सारी गिरा दिया दवाई नीचे। हम नहीं गिराएंगे शाम को। अभी किसने गिराई है? गिरा दी है, नहीं गिरा। अभी किसने गिराई है? बीबी कहा था ए गिरा दो। आपने कहा था? नहीं। किसने कहा था? किसने कहा था? नहीं, शेबू ने। आपने कहा था? नहीं। किसने कहा था? अवेश ने। आपने कहा था? मैं भी तभी शेबू आते तू की। आपने गिराई है? शेबू आके अभी ये करूं। आपको नहीं गिरानी चाहिए थी, समझ आ गई? आगे नुकसान ना किया। पानी? हाँ पानी देता हूँ। बलूरी के काम देखो, खेल रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ओए होए 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 होए। मौसम देखें कैसा बन गया है, और चांद देखें, ये रहा चांद। मौसम थोड़ा सा इधर बारिश का बना है, रात भी लेट अंधारी आ गई थी, बारिश भी आई थी हल्की हल्की। आज मौसम बढ़िया है बारिश का, फिर जो है ना ये वाली जगह चेक करें कैसा है, कैसे आज भी आएगी अंधेरी? इधर देखो आज भी आएगी अंधेरी? कोई पता नहीं।
कोई पता नहीं, तो बिल्कुल खत्म हो गई है रात की तरह। अच्छा चलो जी, क्या देख रही हैं चोरी चोरी? क्या देख रही हूँ? इधर ऐसे करके देख रही थी, चोरी चोरी क्या देख रही थी? नहीं, वो मारिया ऊपर चढ़ी हुई थी तो वो देख रही थी। वो किचन में वो देखे, मैंने कहा शायद अंधारी देख रही है। नहीं, देख रही थी क्या करने जा रही है। अच्छा, आज भी अंधारी आएगी? हाँ। हवा चेंज हो गई है थोड़ी थोड़ी, आएगी आज भी अंधेरी आएगी बहन भाइयों। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ना, इस तरफ से ये जो नज़र आ रही है ना आपको, इस तरफ से अंधेरी आएगी, क्योंकि हवा पहले इस तरफ से थी, अभी इस तरफ जो है ना हवा का रुख चेंज हो गया है। हाँ जी, आज भी इतना सारा आटा क्यों गुण दिया है? इतना सारा कहाँ है, शाम सुबह को खाते हैं फिर शाम को हर किसी को भूख लगी है। हाँ ये बात भी है, रूटीन चेंज की हुई है ना। चले जब अंधारी आएगी तो बहन भाइयों को अंधारी दिखाऊंगा शाम शाम वाली। हाँ, अगर ना ही आए तो बहन भाई इंतजार करते रहेंगे, अंधारी देखेंगे। नहीं आएगी तो माजरात, आ गई तो फिर दिखाऊंगा तंदूर, देखे कैसे चल रहा है। ओए होए 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 होए, ये आप नेड़े खड़ी होके इतना परे हो जाती हो, नेड़े खड़ी होके कैमरे में इतना परे हो जाती हो। अच्छा, मैं कैसे इतना दूर से? ये सिस्टम ऐसा है आईफोन का। अम्मी भी आ गई है हसबे जरूरत रोटियां लगाने। हाँ, अच्छा वो ना एक सिस्टर जो है ना, वो आप सबको सलाम दुआ कह रही थी। वालेकुम सलाम, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सब फैमिली को, बच्चों को, सबको सलाम, ढेर सारा प्यार। हाँ जी, अल्लाह पाक को सिस्टर को खुश रखे, आबाद रखे। हाँ जी, और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन, जजाकल्ला जजाकल्ला खैर। ओए 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 ओए, माया के मामा, ओए ओए जरूरी, वो बैलचे ही खड़ी हो लग गया पैर पे। और आप सुनाएं आपको कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, गर्मी है पर ना आया हूँ। अभी नहा के आए हैं? हाँ, कुछ फ्रेश हो गया हूँ। चलो सही है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बहन भाइयों को अंधेरी दिखाऊं, अंधेरी कहीं चली गई, अंधेरी भी लुक गई है। मैंने कहा दिखाऊँ, वो आई नहीं है। अम्मी देखें दूध बना रही है, आधा दूध और आधा पानी मिक्स करके बच्चों को पिलाते हैं ताकि ठंडा करके। गर्मी बहुत है ना, इसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं अम्मी, कच्ची मीठी लस्सी। चलो, और अभी खाना भी तैयार हो गया, किसी को खाना है तो आ जाएं। इधर देखें ये क्या करे दे पे हो, चूरी बनाने पे हो। करीम बीबी भी चूरी बनाती पे है, शेबू भी चूरी बनाता पे है। ये दाल दमा में मैं चूरी बढ़ा के खाओगे? अच्छा, कैसी होती है? हैं? चूरी चूरी कैसी होती है? बहुत अच्छी। कैसी होती है? बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। हाँ चलें जी, अभी किसी को खाना खाना है तो आ जाए हमारे साथ, मिल बैठ के खाना खाते हैं और साथ में ये दूध वाली शिकंजी भी पीते हैं। आज चूरी बनाते हैं। हाँ, आज आपने चूरी बनानी है? हाँ जी। फिर वो जो बर्फ वाला कटोरा है ना, वो ले आओ। वो तो सारे धो के उधर रख दिए थे। तो फिर अभी किस चीज में बनाओगे? सोच रही हूँ। वो कोई बर्तन ले आओगे खुला, तो उसमें चूरी बनेगी। रोटी खा ली है क्या? ऐसे थोड़ी, ये कहता मैं नहीं खानी, बस इसको दूध दे दो फिर रोटी नहीं खानी। हाँ, दूध पी के फिर रोटी नहीं खानी, दूध पी लो फिर सो जाओ। आपने भी नहीं खानी, दूध के साथ खा रही हो। हाँ फिर ले आओ, अबू को भी दो रोटी, आपने नहीं खाई ना अभी? नहीं। हाँ, अबू को भी रोटी दो, ले आओ फिर चूरी बनाते हैं साथ में, खाते हैं, दिखाएंगे बहन भाइयों को कैसे क्या हम खिचड़ी भी बना के खाते हैं। हाँ, शेबू ने भी चूरी बना दी है। हाँ, ये क्या कर रही हो, रला रही हो चूरी? इधर दिखाओ, हाँ चूरी बन गई है। ये हाथों पे देखे, इसके सारे हाथों के जो है ना निकली थी, ये सारे उतरेंगे। पापा, पापा,
हाथ धो रहे हो? अच्छा वो उधर टूटी से जाके धो, पानी तो सारा आपने गिरा दिया है, गंदा हो गया। इसमें और पानी डाल के दो, फिर ये हाथ धोएंगे, फिर दूध पी के सोएंगे। अभी तो रोटी खा रहे हैं ना, अभी रख दे। अच्छा वो फिर से शुरू हो गया, पहले हाथ धो रहा था फिर खाना शुरू हो गया, कमाल करते हो है ना। और ये डोंगल है, दाल डालेंगे पहले? हाँ ये खाओ। क्या पहले रोटी डालेंगे क्या दाल डाल दूं? ये दाल डाल दो या रोटी, थोड़ी सी दाल डाल दो, बाकी ऊपर डाल लेना। हाँ खाओ खाओ, अभी दाल ऐड कर दिया। ये देखे बड़ा सा डोंगा ले आया, इसमें बनाते हैं हम खिचड़ी चूरी। अब्बू भी खा रहे हैं, अम्मी भी खा रही है। भाई ने खानी हो तो आ जाए हमारे साथ। हाँ जी भाग भाग के आ जाए। मुझे भाजी कड़ी लगती है तो मैं दूध के साथ खाती हूँ। आप तो बचपन से लगता है मीठे के शौकीन है, मीठे के पीछे पड़ी हुई है अभी तक भी। लस्सी दूँ? अभी लस्सी नहीं आया, अभी कहते हैं लस्सी दो। अम्मी के दांत जल्दी कर जाएंगे। अम्मी के दांत जल्दी कर जाएंगे, वैसे भी मुझे लगता है आधे कर गए हैं ना, आधे खत्म हो गए कहती है, बाकी आधे रह गए हैं वो भी मीठा दूध पी के भोग रहे हैं। ये मीठा ज्यादा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। मरियम भी मीठा खाती है, ये भी फद्दी दादी बन जाएगी, ऐसे कहेगी बप 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 है ना। जब आप भी बूढ़ी हो जाओगी फिर ऐसे बोलोगे मैं को पप्पा बना जाऊँ, फद्दी दादी बन जाओगी। चलें अभी चूरी बनाना शुरू नहीं की, खाना स्टार्ट किया हुआ है। हाँ ये थोड़ी सी दाल बची हुई थी, मैंने कहा ये खत्म कर लो निपटाओ। ये देखें जी ये बन गई है चूरी, मतलब छोटी छोटी ग्राहियाँ बना ली हैं बुर्कियाँ रोटी की। अब इसमें डालेंगे दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर ऐसे खिलार के डालो ना, खिलार के भी जैसे भी, जैसे भी मिक्स ही करनी है। और साहब बहन भाइयों ने कमेंट में बताना है कि बचपन में किस किस ने खाई है ऐसी बना के, बस करो अभी। बटन मैंने कहा बचपन कहती है बटन। हम तो बचपन में भी बहुत खाई है, अभी भी बहुत खाते हैं। अभी भी कभी कभी दिल करता है तो खा लेते हैं जी। हाँ बटन खराब थी क्या? दूध पी लिया है आपने? पी लिया? हाँ जी। चलो आप सो जाओ, वो चार पाई पे सो जाओ, पंखा लगाया है। जी जी क्या दो बटन रोल गए ना? अच्छा वाला नवे गोल हो तो ठीक है। हाँ चलो आप उधर चार पाई पे जाकर ना सो जाओ, ठीक है। दूध पी लिया है? अब कद्दू फूल थी क्या? हाँ चलो आप सो जाओ। ये देखें ये अभी फिर इसको जो है ना मिक्स करेंगे ऐसे हाथ से, फिर हाथ से ही खाएंगे। हाँ जी। वैसे चम्मच से भी खा सकते हैं, चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता चम्मच से। हम जाट बंदे पेंडू। हाँ। आपको खानी है चूरी शूरी? मैंने कहा चूरी खानी है तो ये देखे हमने बड़ा सा डोंगा बना लिया है, आ जाओ। नहीं हमने खा ली बस। चलो आपकी मर्जी है, हम खा लें फिर मिलते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गई है जी, किसी को खानी है तो आ जाए भाग के जल्दी जल्दी से। क्या है? रोटी। जोर से बोलो रोटी। रोटी हाँ रोटी। हाँ जिस किसी को खानी है चूरी तो आ जाओ, मैं और सिद्रा खा रहे हैं। हाँ जी सब बहन भाई भाग के आ जाएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया है, अभी इधर बैठे हैं प्याली लेके। ये क्या कर रही हो? ये दवाई बना रही हूँ दुआ फातिमा की। अच्छा जो दवाई लेके आए थे वो वाली। अब वो भी इधर बैठे हैं, अम्मी भी बैठी है, शादी के दिन नज़दीक हैं अभी। सुनाओ क्या सूरत हाल बनाई हुई है? बस हाल ही देख रहे हैं, सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही भी क्या करें। क्या वजह? उनके सामान अभी तो कोई काम वगैरह भी नहीं हुआ है, उनके सामान वगैरह का भी नहीं। हाँ वो पैसे अभी नहीं हुए ना। अच्छा हाँ ये सोच रहे हैं भी क्या करें। अच्छा अब वो भेड़ों वाले को बुलाया है वो भी नहीं
मान रहे हैं। क्या कहते हैं भेड़े हमारी ना बेचो। हाँ ये परेशान हो ना तो भेड़े हमारे आप नहीं बेचेंगे तो फिर हम शादी कैसे करेंगे, शादी की जो हमने डेट फिक्स कर ली है। हाँ जी ये तो यही तो परेशानी है, ये सोच रहे हैं भी क्या करें। हाँ उनको तो कहना चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए। चलो सारी उनकी है, मसला ये नहीं है, हमें जो हमारी आधल के पैसे आएंगे कुछ चलो गुजारा तो हो जाएगा ना। हाँ जी कुछ चलो कहीं से उधारे ले लेंगे, कुछ मसला नहीं है, कुछ इधर से आ जाएंगे। सारे तो हमें उधार कोई नहीं देगा ना, फिर वापस कैसे करेंगे। नहीं वो सारे नहीं उधार हमारी इतना फुर्सत नहीं है कि हम चेत 7 लाख खर्चा हो, शादी पर तो होना है तो लाए यक्का सा उधार के लेके फिर कहाँ से लाएंगे थे कर्जा उतारेंगे। अच्छा। मैं तो अब तेरे अबू को ये बोला है कि वो जैन जैन के अभी साझा हैं, भेजा उसको बुलाओ, उसको बताओ बलिया वो अपने आए बेचो हमको पैसे दो, हमारा कुछ खर्चा ना होगा। हाँ मतलब ले जानी है तो ले जाओ, हमारे जो कुछ पैसे आधल के आएंगे हमें दे दो। हाँ नहीं तो फिर ये बेच दो फिर। ही नहीं है कि बेचे ही ना, वो तो कहते हैं चराई रखो इनको बढ़े और भी। हाँ। बेचो ही ना फिर, हमारी मजबूरी है, हम तो इन्हीं के सहारे कुछ बेचेंगे, चलो ज्यादा नहीं कुछ थोड़े पैसे आ जाएंगे, कुछ उधार लेके गुजारा करेंगे, फिर ऐसा ऐसा उतारते रहेंगे जैसे होगा हमसे। यही परेशानी बनी हुई है यहाँ पे, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें। अभी दिन भी नज़दीक है, अभी थोड़े दिन रह गए हैं, सामान वामान लेने जाना। 5-4 हो गई है तो बस 20-25 दिन बच गए हैं, बाकी सारे सामान लेने में सारा काम करने में भी टाइम लगेगा। अभी तक भेड़े भी नहीं बेची हैं, वो मान ही नहीं रही हैं, फिर समझ नहीं आ रही क्या करें हम। वैसे मैंने बहन भाइयों को कहा हुआ था कि भेड़े बेच रहे हैं, अभी तो मैंने कहा अभी तक घूम रही हैं, पूछो अबू से क्या किया है, वो जिनकी हैं उनसे सलाह की है नहीं की है, क्या कहते हैं वो, तो इस वजह से उनके सलाह की है, एक दो को बुलाया है और यही बात करते हैं कि अभी अभी दिया है, अभी अभी उनकी आधल भरी है तो हम तो बेच देंगे जब जिभावे ले। फिर भी हमें बेचने में भी हमें हमारा नुकसान है क्योंकि अभी अभी वो मतलब के लगी हुई हैं तो उनके बच्चे छोटे, भी अभी छोटे छोटे हैं, दूध भी माशाल्लाह अभी काफ़ी अच्छा देती हैं। हाँ, ये फिर हम बेच देंगे ना, हमारे बच्चों का कुछ दूध होगा ना चाय के लिए होगा, थोड़ा सा तो हम दे लेते हैं उधर से, खाला जो है हमारा साथ दे रही है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये हमें बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। अभी हम जब बिल्कुल तैयार हो जाए ना सोने पे आए उस टाइम बड़ी महंगी बिकती है। हाँ, तो अभी अभी तो इनका रेट भी इतना नहीं होगा तो ये भी परेशानी है, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें बेचनी पड़ रही है, ऊपर से वो मान ही नहीं रहे। हाँ वो भाईवाल भी ये कर रहे, यो बोल रहा है कि हम तो भावे ले जाएंगे मोल करवाएंगे तो तुम्हारे पैसे देंगे, भावे ऐसा बेचेंगे तो ऐसा तो नहीं चराया ना, छोटे छोटे घेन के पाले हैं आधल भरी है तो फिर अब होन जरा ना बुलाई तुम्हारे को घाटा है। हाँ अभी वो जवान हुई है तो अभी बेचने का, हाँ बेचने की लगी है, क्या करें और हमारी भी बहुत बड़ी परेशानी है, मजबूरी है, मजबूरी है, कोई मजबूरी तो और ऐसा करता है ये तो नहीं करता ना। चलो सब बहन भाइयों ने दुआ भी करनी है, अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे हक में, अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला करे, तो जैसे होगा इंशाल्लाह फिर देखते हैं। हाँ, अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन ना लिया करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह पाक से तो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला करम करने वाला है, साथ तक करम करेगा। चलो अल्लाह खैर करे, अभी हमारा व्लॉग भी एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।